एक ड्रामा और क्राइम शो आया है जियो सिनेमा पर कालकोट के नाम से। दोस्तों स्टार कास्ट इतनी जबरदस्त दी गई है इस शो में कि आप फर्स्ट एपिसोड से जुड़ते चले जाओगे इनसे। यह शो रिलीज हुआ था 27 जुलाई को, लेकिन 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 जियो सिनेमा ने इस बार भी हमेशा की तरह ही शो को टुकड़ों में रिलीज किया है। 27 जुलाई को 2 एपिसोड और बाकी हर दिन एक एक एपिसोड रिलीज किया गया है, जिसके सारे एपिसोड मैंने देख लिए हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसी है यह सीरीज, क्या यह सीरीज आपको एंटरटेन करती है? हाँ। क्या यह सीरीज बिंग वॉच है? हाँ। क्या इस सीरीज को आपका कीमती टाइम देना वर्थी है? हाँ भाई हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है जो लगभग 30 से 35 मिनट लंबे है, लास्ट एपिसोड को छोड़कर। लास्ट एपिसोड अराउंड 52 मिनट का है, मतलब कि पूरी सीरीज को देखने के लिए आपको 4 घंटे का टाइम जरूर लगेगा। कहानी के बारे में ज्यादा बातें ना करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक सब इंस्पेक्टर है रविशंकर त्रिपाठी एज ए विजय वर्मा, जिसकी नौकरी अभी 3 महीने हुई है, जो पुलिस डिपार्टमेंट से परेशान होकर नौकरी से रिजाइन देना चाह रहा है। और वो रिजाइन देने वाला ही होता है, लेकिन तभी उनके पुलिस स्टेशन में आता है एक एसिड अटैक केस। और फिर क्या, फिर होती है इन्वेस्टिगेशन शुरू। और इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं रविशंकर त्रिपाठी और यादव जी एज ए यशपाल शर्मा। तो आखिरकार उस एसिड अटैक का असली मास्टरमाइंड कौन है और उसे पकड़ने के लिए शो में क्या ट्विस्ट एंड टच आते हैं, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों इस शो में उत्तर प्रदेश पुलिस को दिखाया गया है, जिसमें लोकल लैंग्वेज का तड़का भी लगाया गया है, जो काफी बढ़िया है। और यही कारण है कि आप फर्स्ट एपिसोड से जुड़ते चले जाओगे सीरीज से। भाई मैं तो फैन होता चला जा रहा हूँ विजय वर्मा सर का। इससे पहले उनको दहाड़ वेब सीरीज में देखा था, जिसमें उन्होंने नेगेटिव शेड्स में काफी बढ़िया काम किया था, लेकिन भाई अब की बार तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया है अपनी एक्टिंग से, बेहतरीन परफॉर्मेंस। यशपाल शर्मा जो एक पुलिस कांस्टेबल बने हैं इस शो में, उनकी परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रेसिव थी। श्वेता त्रिपाठी को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, उन्होंने एक एसिड अटैक सर्वाइवल के रोल में काफी अच्छा काम किया है। और भाई गोपाल दत्त जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के रोल में काफी फिट लगे हैं, जब जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं काफी इंप्रेस करते हैं अपनी एक्टिंग से। मतलब कि परफॉर्मेंस वाइज ये सीरीज काफी जबरदस्त होने वाली है। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी और कैमरा वर्क काफी अच्छा लगा मुझे, ज्यादातर शॉट ड्रोन से लिए गए हैं जो काफी इंप्रेसिव और इंगेजिंग थे। सीरीज का स्क्रीन प्ले भी ठीक ठाक है, जो पहले 4 एपिसोड में तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगा। मतलब कि सीरीज में 5, 6 और 7वां एपिसोड को जबरदस्ती खींचा गया है, जिससे सीरीज थोड़ी लंबी लगने लगती है। इसको थोड़ा और छोटा करके कहानी को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। और भाई सीरीज के क्लाइमैक्स से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर हुआ हूँ, क्योंकि उसमें एसिड अटैक करने वाले की प्लानिंग और वो उसको कैसे अंजाम देता है ये सब कुछ नहीं दिखाया गया है। अगर आपको एक क्राइम ड्रामा शो पसंद है जिसमें इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, तो आप इस सीरीज को जरूर इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सीरीज फैमिली के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीरीज में जबरदस्त गालियां देखने को मिलेंगी। अगर इनसे प्रॉब्लम नहीं है तो ये सीरीज आप फैमिली के साथ देख सकते हो। बात करें रेटिंग की, तो विजय वर्मा की बेहतरीन परफॉर्मेंस, सीरीज के बेहतरीन प्लॉट के लिए मेरी तरफ से इस सीरीज को 4 out of 5 स्टार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।